हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी विल डू चैप्टर फर्स्ट जी के सब्जेक्ट। चैप्टर नेम इज ए पीक इनटू द वास्ट स्पेस। हम इसमें ये जो चैप्टर है वो आपका अंतरिक्ष के ऊपर है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं और उसके टिकराइट और फिजिंदव लैंग्स आपको दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ हम आपको सेंड करेंगे या आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो पहले थोड़े से इसमें जो आपको बताया गया वो पढ़ लेते हैं। द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ एंड इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो सबसे अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है। सन जो है एक स्टार होता है और इसमें इट इज़ अ बॉल ऑफ गैसेस, वेरियस गैसेस। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं और उसका एक गेंद की आकार होता है और ये बहुत सारी गैस से मिलकर बना होता है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम ये सारी गैसेस होती हैं और इसमें से रोशनी और आग जो होती है वो निकलती है, हीट जो है वो निकलती है। तो ये जो सबसे पास का स्टार है, ये एक स्टार की तरह एक स्टार होता है सन भी। सन इज़ आल्सो ए स्टार। सबसे पास का स्टार है अर्थ के, पृथ्वी के सबसे पास वाला स्टार है एंड इज द सेंटर ऑफ द सोलर, और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सेंटर है। इसी के चारों तरफ हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लानेट होते हैं, वो इसी के चारों ओर चक्कर मारते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी भी सूरज के चक्कर मारती है, इसी तरह और बाकी के 7 प्लानेट भी टोटल मिला के 8 होते हैं, 7 पृथ्वी को छोड़ के वो सारे के सारे सूरज के चक्कर मारते हैं। दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन। कौन कौन से होते हैं 8 प्लानेट? फर्स्ट इज मरकरी, सेकंड इज वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनियस और नेपट्टून। ये 8 प्लानेट होते हैं जो पृथ्वी के चक्कर सन के चक्कर मारते हैं। इट इज़ अ जाइंट बॉल ऑफ हॉट गैसेज। ये एक बहुत बड़ी बॉल होती है हॉट गैसेज, बहुत सारी वेरियस अलग अलग तरह सारी सारी गैसेज गर्म गैसेज होती हैं। द लाइट एंड द हीट फ्रॉम द सन मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर जो जीवन संभव है केवल और केवल इन 8 प्लानेट में, ये जो अभी हमने पढ़े थे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपट्टून, इन 8 प्लानेट में से केवल और केवल अर्थ ऐसा प्लानेट है जिस पे जीवन संभव है। और वो क्यों संभव है? वो इसलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी पे पानी होता है और सूरज की वजह से लाइट और हीट गर्मी भी उसको मिलती रहती है, इसी वजह से उस पे जो लाइफ है वो पॉसिबल है। इसके अलावा डू यू नो दैट प्लूटो वाज नेम्ड बाय ए किड। जो प्लूटो का नाम है वो एक बच्चे के नाम पे रखा गया था। आल्सो अर्लियर इट इज़ रिगार्डेड एज द 9th प्लानेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और उसके बाद में हमारे 9वें प्लानेट का नाम भी सोलर सिस्टम में जो रखा गया था वो प्लूटो रखा गया था। फाइंड आउट वाई इट हैज़ बिन टेकन आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ प्लानेट। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो ये 9 प्लानेट थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपट्टून एंड प्लूटो। जो प्लूटो है उसको बाद में इन प्लानेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। जो हमारा 9th प्लानेट था प्लूटो, उसको फिर बाद में प्लानेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है, तो वो प्लानेट नहीं है, अब केवल 8 प्लानेट माने जाते हैं। ऑन 1 फरवरी 2003 कोलम्बिया स्पेस शटल ब्रोक अप द री एंटरिंग द अर्थ एटमोसफेयर ऑन इट्स वे टू कैनेडी स्पेस सेंटर बिल किलिंग एट द 7th क्रू मेंबर इंक्लूडिंग कल्पना चावला। वो बता रहे हैं कि इसमें 1 फरवरी 2003 को कोलम्बिया स्पेस शटल गया था, नासा ने भेजा था, अमेरिका एक एजेंसी है जो खगोलीय स्टडी करती है, अंतरिक्ष के बारे में स्टडी करती है, उन्होंने एक यान भेजा था, उसका नाम था कोलम्बिया स्पेस शटल। वो जब वापस आ रहा था पृथ्वी पे, जब पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था तो उसमें आग लग गई थी और वो ब्लास्ट हो गया था और उसमें 7 लोग थे, 7 के 7 मर गए थे। उसमें एक भारतीय महिला भी थी जिनका नाम था कल्पना चावला। ये पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। वो जब वापस आई थी, वापस आ रही थी, तो वो जो विमान है उनका कोलम्बिया नाम था उस शटल का, स्पेस शटल का कोलम्बिया नाम था, वो ब्लास्ट हो गया था और उसमें 7 के 7 मेंबर थे, उनकी डेथ हो गई थी। ऑन 18 सितंबर 2015 इसरो लॉन्च इंडिया फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट एस्ट्रो। वो कह रहा है कि 28 सितंबर 2015 को इसरो ने अपना पहला
खगोलीय सैटेलाइट छोड़ी थी जिसका नाम था एस्ट्रो। पहली जो हमारी सैटेलाइट थी उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। जो पहली एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट थी, ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है, उसका नाम था एस्ट्रोसैट। और वो कब छोड़ी गई थी? 28 सितंबर 2015 को इसरो ने लॉन्च किया था। तो इसके कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, टिक राइट दे रखे हैं, ये आपको करने हैं। फर्स्ट, द नंबर ऑफ किलोमीटर इन अ लाइट ईयर इज ऑलमोस्ट, जो लाइट ईयर है वो क्या है? वो डिस्टेंस, जो स्पेस में हम जो दूरी नापते हैं, जो दूरी मेजर करने का जो यूनिट है वो है लाइट ईयर। जैसे हमारे यहाँ, जैसे पृथ्वी पे जो दूरी नापते हैं वो किलोमीटर में और मीटर में नापते हैं, तो स्पेस में जो दूरी नापते हैं वो लाइट ईयर में नापते हैं। तो नंबर ऑफ किलोमीटर, कितने किलोमीटर होते हैं एक लाइट ईयर में? तो 10 ट्रिलियन। कितने होते हैं? 10 ट्रिलियन। सन इज, जो सूरज अभी बताया वो क्या है? स्टार। इफ एस्ट्रोनॉट डू नॉट जिप अप देयर स्लीपिंग बैग बिफोर स्लीपिंग दे विल, वो कह रहा है कि अगर एस्ट्रोनॉट अपने, एस्ट्रोनॉट मतलब जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, डू नॉट जिप अप देयर स्लीपिंग बैग बिफोर स्लीपिंग दे विल, अगर वो अपना जिप बैग, स्लीपिंग बैग को जिप नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? ड्रिफ्ट ऑल अराउंड, वो चारों तरफ घूमते रहेंगे। पर्सन, पहले जो चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? ये सबको याद होना चाहिए। वॉक ऑन द मून, जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति थे। द स्टडी ऑफ आउटर स्पेस इज कॉल्ड, जो अंतरिक्ष है उसकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। द बिगेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लानट सोलर सिस्टम का कौन सा है? जुपिटर। और सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी। सबसे बड़ा प्लानट जुपिटर, सबसे छोटा मरकरी। सबसे पास, सूरज के सबसे पास वाला प्लानट कौन सा है? मरकरी। और सबसे दूर वाला नेपट्यून। ये सबको याद होने चाहिए। सबसे पास वाला मरकरी, सबसे छोटा भी मरकरी, सबसे बड़ा जुपिटर और सबसे दूर नेपट्यून। ए प्लेस दैट यूजेस साइंटिफिक इक्विपमेंट टू रिसर्च स्पेस एंड इकोनॉमी इज ए, कौन सा? ऑब्जर्वेटरी। वो जगह जहाँ पर स्पेस, अंतरिक्ष के और खगोलीय शास्त्र से जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है उनके बारे में रिसर्च किया जाता है, उसका वो कहाँ पर होता है? उस जगह को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेटरी। ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स ए पैटर्न व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड ए कॉन्स्टलेशन। वो कह रहा है कि स्टार का झुंड जो एक पैटर्न बनाए और अर्थ से, पृथ्वी से वो दिखाई दे, तो उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ऑल द प्लानट मूव अराउंड द सन ऑन ए फिक्स पाथ विच इज कॉल्ड, वो कह रहा है कि जो सूरज के चारों तरफ प्लानट चक्कर मारते हैं, गोल जो चक्कर लगाते हैं, वो उनका एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिस पे वो चक्कर लगाते हैं, तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। यह आपको PDF दे दी जाएगी और आपको वो अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।